आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय रेलवे स्टेशन में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे पीछे तमाम यात्री आप देख रहे होंगे कि अमरनाथ यात्रा के लिए इनको जाना है और अभी ये रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और इसके बाद इनकी रजिस्ट्रेशन जो है हो चुकी है, अब ये यात्री निवास के लिए निकलेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं या जितने भी और समय देख रहे हैं उनको बता दें कि गवर्नमेंट द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बात की जाए तो 33 जगह अलॉट की गई इन लोगों के लिए, एकोमोडेशन दी जा रही है, लेकिन इन लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। ये रेलवे स्टेशन आते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जो 2-3 स्पॉट अलॉट किए गए, और उसके बाद ये सीधा यात्री निवास चले जाते हैं। और रेलवे स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है उमड़ जाती है जब लोग कुछ दिन पहले ही आ जाते हैं, और ऐसे में इन लोगों को क्या कुछ जानकारी इनके लिए जो जो एकोमोडेशन की जो जगहें अलॉट की गई क्या उनको उनकी जानकारी है या नहीं है? जी आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश कलाल, मैं आया हूँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी यात्रा के लिए जा रहा हूँ, अमरनाथ यात्रा के लिए। अमरनाथ यात्रा के लिए अभी कहाँ ठहरना है आपने? अभी मेरे को ठहरना एक्चुअली भगवती नगर को था, अभी मेरा 19 तारीख का परमिट है, मतलब मेरे को आज जाना ही पड़ेगा जी। और मेरे जो साथीदार लोग हैं वो 20 तारीख का उनका परमिट है जी। फिर उनको आज इधर रुकना पड़ेगा जी। यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 33 जगह अलॉट की गई है जिसमें डोगरा चौक होगा, डोगरा हॉल हो गया, रविदास मंदिर हो गया, उसके अलावा अन्य जगह जो प्रोवाइड की, क्या आपको जानकारी है? नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। अगर आप देंगे तो फिर हम जाएंगे उधर वहाँ पे। आपको क्या पता है सिर्फ इतना कि यहाँ पर आना और यात्री निवास जाना, यहाँ पे आना और भगवती नगर जाना, इतना ही पता है जी। आपको भी क्या पता है? हाँ, वही पता है, इनके जो बोला है वही, ये हमारे साथ ही है सब। अच्छा, साथ में ही आए? साथ हमारे साथ में है, पर हमारे मेरा 19 तारीख का है, उनका 20 तारीख का है। अब इनको एक दिन रुकना है, यदि एक दिन को इनको रुकना पड़ेगा फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कई सारी जगह जो अलॉट की गई है, मैं आपको उसकी बात बताऊंगी, लेकिन क्या आपको सिर्फ इतना पता है? हाँ, इतना ही पता है। तो आपको ये 33 जगहों का नहीं पता? नहीं पता, नहीं कुछ नहीं पता। उसके लिए क्या करना चाहोगे? कोई टीम होनी चाहिए जो आपको जानकारी दे, यहाँ पे कोई जानकारी देने के लिए कोई नहीं आपको? नहीं, सब मेहमान मेहमान करके आए इधर, ऐसा हुआ है। सब घर अभी पहुँचे? अभी पहुँचे जी, 10 मिनट पहले पहुँचे जी। अभी जाके ये भाई साहब के पूछ के अभी आ रहे हैं, अभी देखेंगे कैसा कैसा होता है जी जी। तो कितने लोग हैं आप आए टोटल? 19 लोग। 19 आए, तो कैसे लग रहा है जम्मू आकर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी बार आ चुके हैं? पहली बार है। अच्छा, पहली बार आ? पहली बार है। तो अब आपने इसके बाद सिर्फ यात्री निवास जाना, रजिस्ट्रेशन आपके ऑनलाइन हो चुकी है? ऑनलाइन जी। तो तमाम ये यात्री जितने भी आप देख रहे हैं इन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि आखिरकार इनको जाना कहाँ पर, और जो एकोमोडेशन 33 लोकेशन जो दी गई है उसके बारे में इनको कोई भी जानकारी नहीं है। इस वीडियो में बने रहे, आपको हम बताएंगे कि वो 33 लोकेशंस कौन सी है, और उसके अलावा फिलहाल रेलवे स्टेशन से हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं जहां पर यात्री जो है वो जम्मू पहुंच चुके हैं, और कुछ लोगों का 19 तारीख का परमिट है और कुछ का 20 तारीख का परमिट है। और जो लोग जल्दी आ जाते हैं वो लोग कहां ठहरे रेलवे स्टेशन के अलावा, उनको लगता है कि कोई और साधन नहीं है, पर आपको बता दें कि कई सारी लोकेशन जो है अलॉट की गई हैं। तो रेलवे स्टेशन में एक हेल्प डेस्क भी जो है वो बनाया गया जिसमें लोग आते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिरकार उनको कहाँ जाना है। तो लेकिन जो वो 33 लोकेशंस है उसके बारे में कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं। अब हम कोशिश करेंगे उन 33 लोकेशंस में से कुछ लोकेशंस में जाने की, वहाँ पर पता करेंगे कि आखिरकार क्या यात्री निवास से ही उन लोगों को आगे भेजा जाता है या वो डायरेक्ट भी उन लोकेशंस पर जा सकते हैं। डोगरा सदर सभा में इस समय आपको लेकर आए, और यहाँ पर आपको बता दें कि पूरा सिक्योरिटी के बीच जो है यहाँ पर यात्री जो है वो ठहर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन के कारण जो है उनको पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि ये लगता है कि रेलवे स्टेशन के बाद रजिस्ट्रेशन करा कर जो 2-3 स्पॉट्स बनाए गए हैं, सरस्वती धाम, वैष्णो धाम, यात्री निवास के अलावा उनको लगता है कि कोई और डेस्टिनेशन है ही नहीं उनके ठहरने के लिए। पर आपको बता दें कि डोगरा सदर सभा में यहाँ पर लोग आते हैं बीच बीच में, और कुछ यात्री निवास से भी भेजे जाते हैं, लेकिन ये हॉल बिल्कुल खाली पड़ा है। जहाँ पर एक तरफ हमने आपको दिखाया कि रेलवे स्टेशन में किस तरह से यात्रियों की भीड़ उमड़ी हुई थी, वहीं पर ये कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर उन यात्रियों को जानकारी होने की जरूरत है कि वो यहां पर आए और उनको पता लग सके कि उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किस तरह की तैयारियां जो है की गई है। तो डोगरा सदर सभा का हॉल हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं जहां पर यात्री कभी भी आ सकते हैं, उनके लिए रहने के लिए ठहरने के लिए यहां पर जगह जो है प्रोवाइड की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है जिसके चलते यहाँ पर ज़्यादा यात्री जो है वो नहीं आ पाते हैं। और स्क्रीन पे हम आपको ये जो पैम्पलेट है ये भी दिखा रहे हैं जिस पर 33 लोकेशन जो है वो मेंशन की गई है, जिस पे आप देख सकते हो कि तमाम ये लोकेशन 33 जो लोकेशंस हैं इस पर साफ साफ शब्दों में फ़ोन नंबर भी लिखे गए हैं और लोकेशन भी लिखी गई है, जिन जिन यात्रियों को जो भी कन्वीनियंट लोकेशन लगती है वो
लोकेशंस पर जा सकते हैं और ठहर सकते हैं। इनके ठहरने का इंतज़ाम जो है वो किया गया है। जम्मू में कई सारी लोकेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है जिसमें यात्री ठहर सकते हैं। जी गुलचंद जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यात्रियों का? देखिए, बात यह है कि डोगरा सदर सभा में पहले जो हमारा बड़ा हाल है उसको हमने गैली की शेप दे दी जी। आप देख रहे हैं कि डोगरा हीरोज के जो फोटोग्राफ्स वगैरह हैं पूरी दीवारें भरी पड़ी है। इसलिए पहले हमने मना कर दिया था जी। लेकिन इस दफ़ा ये देखते हुए कि यात्री बेचारे परेशान ना हो, उस बात को सामने रखते हुए हमने अलाउ कर दिया था कि जब भी यात्री आते हैं तो उनको कोई जगह नहीं मिलती और कोई एमरजेंसी बन गई है तो ये हाल हमारा हाजिर है जी। और उसके लिए हमारा स्टाफ भी और सिक्योरिटी वाले भी ख्याल रखेंगे, किसी कीमत पर भी कोई फोटोग्राफ हमारे हीरोज़ का उन लोगों के जिनको वो गैली में लगे हैं वो खराब ना हो। नहीं, यात्रियों के मतलब कि एमरजेंसी के अलावा भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं? एमरजेंसी के अलावा भी, एमरजेंसी में ही आते हैं, ऐसे काम से आते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ सिर्फ जाएंगे और सीधे जाएंगे और वहाँ जिनकी रजिस्ट्रेशनों के वही आएंगे जी। नहीं, डायरेक्टली भी यहाँ पर आ जाते हैं कि हम रात को बहुत लेट हो गए हैं, वो यहाँ सिक्योरिटी वालों को कह दिया जाता है कि इनके बाकायदा लिस्ट बनाओ, चेक करो अच्छी तरह से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद हम उनको। लेकिन आपका क्या मानना है कि लोगों को इसकी, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है? मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन सा है, क्योंकि लोग सीधे वहाँ जाते हैं और वहाँ जगह जब नहीं होती जी तो फिर उसके बाद वो बड़े ख़राब होते हैं जो आकर यहाँ बताते हैं जी। तो बेचारे फिर जब पता लगता है ये लोकेशन जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है डिफरेंट लोकेशन, उनको नाम पता लगा डोगरा सरसा भी है, तो यहाँ पर कई डायरेक्ट आ जाते हैं कि महाराज आपके यहाँ का भवन का नाम लिस्ट में है, तो हम सिक्योरिटी वालों को कहते हैं कि भाई आप चेक करो और उनको अलाउ करो जी, जितनी हमारे पास कैपेसिटी है उनको अलाउ कर देते हैं जी। ऐसे ही दूसरा जो हमारे ट्रस्ट के लक्ष्मी जो मंदिर लक्ष्मी मंदिर गांधीनगर है, वो हमारे लक्ष्मी मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट के अंदर जी, वो ट्रस्ट को मैं हेड कर रहा हूँ। वहाँ भी हमने ऐसे किया है कि वहाँ पर जो डायरेक्ट आ जाते हैं जिनको बेचारे को जगह नहीं मिलती, 100-100 आदमी आ जाते हैं, तो आता कहते हैं जी हम कहाँ जा रहे हैं, जिनको जानकारी है वही आबादी, जिनको नहीं है लेकिन कन्फ्यूजन है इसमें, वो कैसे आएंगे जी। तो इसलिए वो आते हैं वहाँ पर, हम वहाँ भी सिक्योरिटी स्टाफ लगा हुआ है उनको, अब थोड़े दिन से सिक्योरिटी स्टाफ ने हटा दिया वहाँ से, अब पुलिस ही है, तो उनको हम कह देते हैं कि इनको चेक कर लो, हाल में हम अलाउ कर। अब आप क्या बोलना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसको लेकर अगली बार जब भी यात्रियों की या अभी भी किस तरह की कदम उठाने चाहिए ताकि उन यात्रियों को परेशानी ना हो? क्योंकि हर जगह रश बहुत ज़्यादा, रेलवे स्टेशन में लोगों का इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी रहती है, उनको लोकेशंस का नहीं पता होता है, तो क्या एक कदम एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाना चाहिए क्योंकि अभी 2 महीने की यात्रा भी मसा 18 दिन ही हुए हैं? देखिए, बात यह है कि उन्होंने ये जो लोकेशन साथ रखी है इनको, इनकी मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से नोडल अफसर भी रखे हुए हैं, और नोडल अफसर जो हैं वो अपना इंतज़ाम वहाँ पर स्टिका करने की कोशिश करें, रेलवे स्टेशन पर भी, एयरपोर्ट पर भी, यहाँ जहाँ भी है वहाँ इस तरीके से डिस्प्ले करें ताकि उनको क्लियर पता हो कि अगर हमने, हम आए हैं तो हमारे नज़दीक अगर स्टेशन यहाँ लक्ष्मीनारायण मंदिर है तो उनको पता हो कि किस तरफ मंदिर है, तो वहाँ पहुँच जाएँ, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करें। और इनको नोडल अफसर को पता होना चाहिए कि इस वक्त उस लक्ष्मीनारायण मंदिर के हाल के अंदर और जनता तो नहीं है, खाली भी है कि नहीं है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी इन्होंने स्टेशन, मतलब कंफ्यूजन नहीं है क्रिएट होना चाहिए। तो जम्मू में 33 लोकेशन जो प्रोवाइड की गई है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर भी बताया कि ये लोकेशंस है, यहाँ पर यात्री जो है वो ठहर सकते हैं। महाजन सभा में उनके लिए लंगर जो है वो लगाया गया, उसके अलावा कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लंगर लगाया गया, लेकिन उन श्रद्धालुओं के लिए, उन यात्रियों के लिए ठहरने की सुविधा जो है उनको उस चीज़ का कन्फ्यूजन था कि कहाँ कहाँ पर है। आपको बता दें कि जब भी आप रेलवे स्टेशन आते हैं वहाँ पर एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है जहाँ पर आपको बताया भी जाता है कि आपको इन लोकेशंस में जाना है। जिन लोगों को नहीं पता आपको बता दें कि वहाँ पर हेल्प डेस्क है, आप उनसे जानकारी ले, उनसे पूछिए कि आखिरकार 33 जो लोकेशंस है वो कहाँ पर ठहरने के लिए, तो वो वहाँ पर ठहर सकते हैं। ये जितने भी यात्री हैं जो उनको एडजस्ट करने में मुश्किल होती है या जो रेलवे स्टेशन में ठहरते हैं उनको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 33 लोकेशन जो है प्रोवाइड की गई है, आप वहाँ पर जाके रह सकते हैं, ठहर सकते हैं। आपको बता दें कि आपका जब टाइम आएगा, आपको जब अपनी यात्रा के लिए निकलना है, तो आप यात्री निवास जाकर जो है वहाँ पर ठहर के और अगले दिन अपने जत्थे के साथ निकल सकते हैं। अगले मरीले को फिर मैं आ जाऊँगी, तब तक के लिए आप देखते रहे अंग बाइट्स, फिर जनरल समन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, अंग बाइट्स जम्मू।